आशीष वर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ मुझे अपने बारे में कुछ बताना है मैं स्टार्टिंग से आई का पेशेंट हूँ जिसमें प्लेटलेट्स की हमेशा कमी रहती है जो कभी भी बढ़ता नहीं है इट्स यूजुअली अ रेंज ऑफ इन बिटवीन वन लैख फिफ्टी थाउजेंड टू फोर लैख बट मेरा कभी फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर नहीं गया है उसकी वजह से ब्लीडिंग इशूज होते थे तो मैंने इसको इग्नोर किया बट लास्ट दिसंबर मुझे मालूम पड़ा कि मेरे मैंने जब नॉर्मल टेस्ट कराए तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा किडनी जो है वो ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट फेल हो चुका है आ, मैंने सारे टेस्ट कराए मणिपाल हॉस्पिटल में जहाँ पे मुझे शैलेंद्र सिंह डॉक्टर शैलेंद्र सिंह से मिला उन्होंने मुझे कंसर्न किया उन्होंने बताया कि आपको पहले तो एक बार ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर जब मैं जो मैंने स्टार्ट किया फिर उसके बाद मुझे पता चला कि आ, मुझे डायलिसिस के लिए बोला गया कि आप एक काम कीजिए पहले क्योंकि आपको जो है वो अब कंट्रोल में लेंगे आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा जो डायलिसिस है उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है उसमें टाइम लगता था ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे आई हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट लाइक फोर आवर्स और दैट दैट टू इन अ डे और वीक में मुझे एटलीस्ट तीन बार कराना पड़ता था तो बहुत थोड़ा पेनफुल पेनफुल भी था टाइम कंज्यूमिंग भी था देन मैं डॉक्टर सैलन ने कंसर्न किया कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो जहाँ पर मैं कुछ मतलब अपने आप को कर सकूँ तो डॉक्टर सहेंद्र सर ने मुझे बताया कि हाँ वी डू हैव अनदर ऑप्शन दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट जो हम कर सकते हैं बट उसके लिए रेस्परेंट चाहिए होगा फिर रेस्परेंट के लिए अगेन uh, मुझे चेक करना पड़ा अपने मॉम से अपने डैड से अपने फैमिली मेम्बर से एंड बाद बाय द एंड ऑफ द डे आई मुझे अपनी वाइफ से को जो था उनके साथ मैच किया uh, मैच करने के बाद फिर अगेन मुझे उसके जब मैं एडमिट हो गया तो अगेन मेरे पास जो थी कॉम्प्लिकेशंस थी वो अलग ही थी जैसे कि मेरा जो मैंने बताया था पहले कि प्लेटलेट्स की कमी प्लेटलेट्स मेरा कभी भी 50,000 से ऊपर नहीं गया है तो उसकी वजह से मेरा जो किडनी ट्रांसप्लांट था ऑलमोस्ट लाइक फाइव टाइम्स पोस्टपोन हुआ था ऑलमोस्ट लाइक आई स्पेंड ऑलमोस्ट लाइक अंथ इन हॉस्पिटल टू कंट्रोल दैट द प्लेटलेट बी इंक्रीज बट वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ इट वॉज एटी थाउजेंड आफ्टर ट्रांसप्लांट आई एम नॉर्मल राइट नाउ आई डोंट हैव एनी इशूज मुझे कोई अब चैलेंजेस नहीं इट्स ऑलमोट लाइक सिक्स मंथ्स नाउ

एंड ही वॉज़ हैविंग सिम्टम्स उनको सांस की दिक्कत हो रही थी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी तो उन रूटीन ब्लड टेस्ट बाहर से करवाए थे जिनमें की रूटीन प्रीनल फंक्शन टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे इनका क्रेटनिन अराउंड टेन के आसपास था यूरिया काफ़ी बड़ा हुआ था हीमोग्लोबिन कम था एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनका प्लेटलेट जो था वो काफ़ी लो था वो अराउंड फोर्टी थाउजेंड था जो कि नॉर्मली एक पेशेंट में वन पॉइंट फाइव लैक से ऊपर होता है तो इनिशियली हमने काउंसिल किया इनके बाकी स्कैन यूरिन की रिपोर्ट्स और जो भी रूटीन ब्लड और यूरिन टेस्ट वगैरह होते हैं किडनी पेशेंट्स में वो कराए गए बाद में फिर पता चला कि इनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ स्टेज फाइव है इसका मतलब कि इनकी किडनी फंक्शंस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे एंड या तो इनको दो ऑप्शंस दिए गए या तो ये डायलिसिस पे जाएं लाइफ लॉन्ग या दूसरा रीनल ट्रांसप्लांट बट प्रॉब्लम ये थी कि इनका डायलिसिस पे जो डाला गया डालने का डिसीजन था पेशेंट्स और फैमिली के साथ कंसल्ट किया गया एंड वो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस और उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं झेलना चाहते थे तो इनको एक्सेस के बारे में बताया गया प्लेटलेट्स के बारे में इनसे जब डिस्कस किया गया तो पुरानी हिस्ट्री में पता चला कि इनको एक आईटीपी है जो कि क्रोनिक आईटीपी ये बेसिकली इस टाइप की कंडीशन होती है जिसमें कि बॉडी के खुद के इम्यून सेल्स हमारी प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और ये इनको लाइफ लॉन्ग कंडीशन रही है इनको काफ़ी ब्लीडिंग इश्यूज भी रहे हैं उसकी वजह से तो उसके बाद हमने इनको समझाया कि इन बोथ केसेस इवन डायलिसिस कि जिसमें फिस्टुला बनाना पड़ेगा या परमा कैद उसमें ब्लीडिंग कॉम्प्लीकेशन रिकरेंट ब्लीडिंग इश्यूज डायलिसिस में भी रह सकते हैं इससे बेटर ऑप्शन है बेटरमेंट लाइफ के लिए कि इनको ट्रांसप्लांट कंसिडर करें बट ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है जिसके लिए आपको प्लेटलेट काउंट ज़्यादा चाहिए होता है अदरवाइज़ मेजर ब्लीडिंग इशूज़ का रिस्क होता है तो हेमाटोलॉजिस्ट को हमारे यहाँ जो हैं उनसे कंसल्ट किया गया फिर पेशेंट को हाइडोज इम्युनस ऑपरेशन पे स्टार्ट किया गया पेशेंट्स का इनिशियली प्लेटलेट रिस्पॉन्ड किया बट वो ये ड्रॉप कर जाता था और डोज हाँ स्टेरॉइड्स हम लॉन्ग टर्म के लिए दे नहीं सकते थे पेशेंट से फिर डिस्कस किया गया एंड इसको काफ़ी काउंसलिंग के बाद एंड डिस्कशन विद द हेमाटोलॉजिस्ट इसको हाई डोज आई एंड फर्दर इम्यूनोसप्रेशन के बारे में बताया गया पेशेंट ने सारे रिस्क एक्सेप्ट किए एंड उसके बाद वी प्रोसीडेड विद द ट्रांसप्लांट। उस ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांट हमने लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो ट्रांसफ्यूशन एस होता है उसके कवर में बेसिकली ट्रांसप्लांट किया फॉर्चुनेटली पेशेंट को कोई मेजर ब्लीडिंग इशूज़ नहीं हुए पोस्ट ट्रांसप्लांट एंड ही डेंट हैव एनी मेजर इन्फेक्शन जो कि हमारा कंसर्न था क्योंकि हमने काफ़ी इम्यूनोसप्रेशन देना पड़ा था प्री ट्रांसप्लांट में पेशेंट को एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट वी हैव बीन फॉलोइंग हिम रेगुलरली अब पास छः महीने से ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल हिज एपेटाइट हैज इम्प्रूवड स्टोरॉइड्स रिलेटेड साइड इफेक्ट्स कम हो चुके हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दज के इनके रीनल फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है और जो प्लेटलेट जो कभी भी फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर नहीं जाते थे वन लैख फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर परसिस्टेंटली लास्ट सिक्स मंथ से पेशेंट के चल रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम देट ही इज़ इनकी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल एंड ही इज एबल टू डू एंड अपने रूटीन काम जो होते हैं आ, वो रेगुलरली कर पाते हैं बेसिकली ये वीडियो बता बताने का पर्पज़ यही है कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं काफ़ी अलग अलग कंडीशन की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं ट्रांसप्लांट प्रोग्राम से बट हम आज कल के टाइम में ऐसी मेडिकेशन हैंट वी एट मणिपाल विल भी हम कर सकते हैं इस टाइप के ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स अगर सारी कंडीशंस पेशेंट्स को समझ में आए और रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो थैंक यू